वेलकम टू दिस सेशन. आज हम लोग जो सम करने वाले हैं वो सम थोड़ा ज़्यादा ही हायर लेवल पे है. वो सम स्टार्ट करने से पहले मेरे को कुछ बेसिक नॉलेज क्लियर करना पड़ेगा तुम लोग से. सपोज ये कैलसी मुझे बेचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जाके बेच देना पड़ेगा, परफेक्ट है. बट नहीं, मेरे से बिक ही नहीं रहा है, मैं सेल्समैन नहीं है तो मैं क्या करेगा? बराबर है, दिमाग में जो आ रहा है एकदम परफेक्ट है. एजेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा. चल मैंने ये कैलसी एजेंट को दे दिया, एजेंट ने बेच दिया, अरे मजबूत, क्या पैसा मिला मेरे को. क्या लगता है फ्री में काम करेगा क्या वो? नहीं ना. क्या 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 लेगा? कमीशन. ये इंपॉर्टेंट है. समझो 100 रुपये का कैलसी है, मैं उसको बोला भाई तू 200 में बेच दे, उसने 200 में बेच दिया. अब सीन ऐसा है कि बेचने के बाद वो बोलता है कि सर मेरे को 2% कमीशन चाहिए. अब तुम दिमाग लगाओ 2% किस पे आएगा, 100 पे आएगा 200 पे आएगा? कोई भी बेवकूफ़ इंसान आराम से बोल सकता है बस सर 200 रुपये में आएगा. तो 200 पे समझो अगर मैं 2% निकालता हूँ तो कितना रुपीज़ आएगा अपना? 200 × 2 कर लो कैलसी पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे हिसाब से 4 रुपये आता है सर. 4 रुपये कमीशन, छोटा अमाउंट है, छोटा चीज़ है यार, चलता है. अब 4 रुपये का जो कमीशन है वो लेगा तो क्या करेगा? अभी दिमाग लगा, नॉर्मल इंसान है तू तो. नॉर्मल इंसान क्या करेगा कि भाई मैंने कैलसी दिया, उसने बेचा, बेचने के बाद कस्टमर पैसा किसको देगा? एजेंट को पैसा देगा. यानी 200 रुपये एजेंट के पास है. अब एजेंट जब मुझे पैसा देगा तो अब दिमाग लगाओ कि एजेंट कितना पैसा देगा मेरे को? पूरा 200 देगा क्या? नहीं, वो 4 रुपया काट के देगा. मतलब इन शॉर्ट मुझे कितना मिलेगा, 204 या 196? 196. तो एजेंट जब पैसा देता है ना तो कमीशन काट के देता है. हेलो, यहाँ तक ठीक है? पक्का समझ में आया? एजेंट का कमीशन का फंडा समझ में आ गया? ये रिसीव्ड का था. वैसे फॉर एग्जांपल मैंने एजेंट को बोल दिया यार ये मेरा क्रेडिटर से उसको पे कर दे, तो पेमेंट करेगा जो भी डिस्काउंट या जो भी है, बट जितना पेमेंट करेगा उसके ऊपर क्या मांगेगा वो? कमीशन. अब पेमेंट करना मतलब क्या? 40,000 का पेमेंट करना था तो उसने सामने वाले के साथ सेटिंग किया, सेटलमेंट किया, बोला सर आपको सिर्फ 35,000 पे करना है, तो मैं क्रेडिटर्स को 35,000 पेमेंट कर देगा. क्या लगता है एजेंट फ्री में काम करेगा क्या? नहीं. क्या चार्ज करेगा? कमीशन. तो समझो 35,000 पे 10% बोला तो 35,000 का 10% कितना आएगा? 3,500. ये कमीशन मुझे किसको देना है? क्रेडिटर्स को देना है या एजेंट को देना है? एजेंट को. अपने जेब से निकाल के देना पड़ेगा. अच्छा एक लास्ट डाउट, अपने जेब से अगर मुझे निकाल के देना है तो मेरे लिए इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया? एक्सपेंस हो गया. अब पूरा स्टोरी ये चैप्टर में लेके आते हैं. अगर मुझे पे करना है तो मेरे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहाँ पे जाएगा, कौन से अकाउंट में जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट. एकदम परफेक्ट है. हेलो, यहाँ तक ठीक है? चल स्टार्ट करते क्वेश्चन से. एक्स एंड वाई कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विशेष टू डिसॉल्व द फर्म एंड सेल द बिजनेस टू एक्स लिमिटेड. छोटा सा बैलेंस शीट है, लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, एक्स वाई कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स. द अरेंजमेंट विद एक्स लिमिटेड कंपनी वॉज एज फॉलोज. लैंड एंड बिल्डिंग वॉज परचेज एट 20% मोर देन बुक वैल्यू, तो प्लस 20%. फर्नीचर एंड स्टॉक वर परचेज एट बुक वैल्यू लेस 15%, तो दोनों पे माइनस 15%. द गुडविल ऑफ द फर्म 40,000, ठीक है. फोर्थ एडजस्टमेंट, स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्म डेटर्स कैश एंड क्रेडिटर्स वेर नॉट टेकन ओवर, तो डेटर्स कैश और क्रेडिटर्स को छोटू क्रॉस मार्क. बट द कंपनी एग्रीड टू कलेक्ट. द कंपनी मीन्स फर्म नहीं कर रहा है, कंपनी कर रहा है. द कंपनी एग्रीड टू कलेक्ट डेटर्स ऑफ द फर्म एंड डिस्चार्ज द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म एज एन एजेंट. अंडरलाइन द वर्ड एजेंट. फॉर विच सर्विसेस द कंपनी वॉज टू बी पेड 5% ऑन कलेक्शन ऑफ द फर्म्स डेटर्स एंड 3% कैश पेड ऑन फर्म्स क्रेडिटर्स. सिंपल है, कलेक्शन किया तो 5%, पेमेंट किया तो 3% कमीशन. द परचेज प्राइस वॉज टू बी डिस्चार्ज बाय द कंपनी इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ 2. 10 फेस वैल्यू, 2 प्रीमियम, टोटल प्राइस ₹12. द कंपनी कलेक्टेड ऑल द अमाउंट फ्रॉम डेटर्स. क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ लेस बाय 1,000 अलाउड बाय देम एज अ डिस्काउंट. मतलब क्रेडिटर्स को माइनस 1,000 करके जो अमाउंट है वो लेने का. द कंपनी पेड बैलेंस ड्यू टू द वेंडर्स इन कैश.
मतलब सब हिसाब किताब करने के बाद जो पैसा बचा ना कंपनी ने, वो पैसा मुझे दे दिया, क्या लगता है वो पैसा पीसी में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज वो तो एजेंट जैसा काम कर रहा था, तो वो छोड़ दो साइड में। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला टारगेट पीसी कैलकुलेशन। तो चलो स्टार्ट करते पीसी कैलकुलेशन। ग्रॉस असेट, इसमें सबसे पहला मैं लिख दूंगा गुडविल 40,000। गुडविल के बाद बोला है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 दिया है, प्लस 20% बोला है, सो 1,20,000। फिर है फर्नीचर एंड स्टॉक, फर्नीचर पे लेस 15% बोला है, तो 40,000 का फर्नीचर लेस 15% 34,000। 1,00,000 का स्टॉक है, उस पर भी 15% लेस करने बोला है, तो ये 85,000। दिस इज योर पीसी। सर इतने में ख़त्म हो गया? हाँ, क्रेडिटर्स है और कुछ है ही नहीं, क्रेडिटर्स नॉट टेकन ओवर। सो चल टोटल मारते हैं, 160 प्लस 34 प्लस 85, 2,79,000 का पीसी है। अब मेरा डाउट, इन लोग ने बोला है कि पीसी सेटल किया शेयर्स में, 2,79,000 डिवाइड बाय 12। अब 12 क्यों किया? 12 का मतलब होता है 10 प्लस 2, सो 279 डिवाइड बाय 12, 23250 शेयर्स। इतने शेयर्स इशू किए हुए हैं, ठीक है, बाय वे ऑफ पीसी। अब आगे बढ़ते हैं। अपना अकाउंट सब रेडी है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। एक्स लिमिटेड, सर एक्स लिमिटेड मतलब न्यू कंपनी। फर्स्ट स्टेप, एम्प्टी द बैलेंस शीट, चलाने दे सबको। लैंड एंड बिल्डिंग, फिर दिया है फर्नीचर, फर्नीचर के बाद दिया स्टॉक, डेटर्स, कैश, कैश नॉट टेकन ओवर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का कैश है? 4,000। चलो इधर आते हैं, लैंड 1,00,000, फर्नीचर 40,000, स्टॉक 1,00,000, डेटर्स 66,000, 2,00,000, 3,06,000। लाइब्रिटीज में एक ही लाइब्रिटीज है, सन्डी क्रेडिटर्स, वो भी दिया हुआ है 60,000 का। पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 150, 1,00,000। ठीक है, फर्स्ट स्टेप एम्प्टी द बैलेंस शीट। अब जरा देखते हैं क्या क्या टेक ओवर नहीं है, तो चलो उस पर मार्किंग करते हैं। एक तो ये नहीं है, ये नहीं है, अब इसको बेचने की बारी है। कौन बेचने वाला है, कौन कुछ करने वाला है? हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी करेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो है क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, हम पे नहीं कर रहे, पे कर रहा है परचेसिंग कंपनी, तो कैसे करेंगे? तो यहां पे ध्यान दो, 2X लिमिटेड कितने का? 60,000 है, 60,000 है, 60,000 में से उसने 1,000 डिस्काउंट दे दिया, मतलब पेमेंट कितने का होगा? 59,000 प्लस उसके साथ साथ कमीशन भी तो देने का अपने को एक्स को। सर कमीशन कितना देना है? तो देखो एडजस्टमेंट में कुछ बोला हुआ है, फोर्थ एडजस्टमेंट लास्ट लाइन, 3% कैश पेड ऑन फर्म्स क्रेडिटर, तो फर्म्स क्रेडिटर इज 59,000, पे 3% 59,000 इंटू 3% अमाउंट कम्स टू 1,770। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट,
ये X लिमिटेड ने किया है तो यहाँ पे डेबिट, तो X में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 59,000 सेम 1770, सेम का मतलब बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटी अपने को पे करना है तो कमीशन भी पे करना है। आते डेटर्स पे, डेटर्स पे अपने को पैसा मिलता है तो बाय एक्स लिमिटेड 66,000, ये एक्स लिमिटेड को इतना पैसा मिल चुका था। मिलने के बाद उसने क्या किया, उसी में से कमीशन माइनस किया। सर कमीशन डेटर्स पे कितना परसेंटेज है, 5, तो 66,000 का 5% 3,300 माइनस कर दो 62,700। क्यों माइनस किया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैलसी का एग्जांपल दिया 200 में, उसने 200 में बेचा तो कमीशन काट के ही मुझे पैसा देगा, तो मुझे पैसा कितना मिलेगा 62,700। यहाँ पे क्रेडिट था एक्स लिमिटेड में, डेबिट टू रियलाइजेशन 62,700। चलो ये दो चीज था, जो टेक ओवर नहीं था तो उनका तो मैटर क्लोज कर दिया। अब क्या बाकी है, कुछ नहीं। चल पीसी रिकॉर्ड करते हैं, तो पीसी के लिए बाय एक्स लिमिटेड 2,79,000, यहां पे क्रेडिट एक्स में डेबिट टू रियलाइजेशन 2,79,000। जो भी पीसी आया वो पीसी हम लोग ने किसको दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल में 2,79,000 का, मतलब वहां पे क्रेडिट तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,79,000। अब सर इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, एडजस्टमेंट में देखो कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं बोला है। मींस जो फाइनल बैलेंस आएगा ना वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चल बाद में करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप कुछ बाकी है देख लो कुछ बाकी है क्या, कुछ भी नहीं है। तो चलो अभी क्या करते हैं, अकाउंट को क्लोज। ये टोटल ज्यादा लग रहा है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 60,000, 62,700, 2,79,000, 4,01,700। यहाँ पे डिफरेंस है टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई, चेक करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला है, इक्वली बोला है तो कोई टेंशन नहीं है। माइनस 3,06,000, माइनस 59,000, 34,930, 17,465, 17,465। यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 17,465, 17,465। अकाउंट को क्लोज करते हैं, इधर का टोटल 167,465, 117,465, 117,465, 117,465। अब ध्यान दो, 2,79,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दिस रेशियो। मैं चाहिए तो यहां पर लिख देता हूं 167,465 इज टू 117,465। थोड़ा और कैलकुलेशन बट करना पड़ेगा, 167 प्लस 117,465 टोटल आ रहा है 284,930, ये टोटल था। 2,79,000 डिवाइड बाय 284,930 इंटू 167,465, आंसर पॉइंट में आ रहा है। तो अभी इसको थोड़ा और वे में लेके जाते हैं, हम काम करते हैं। इधर क्या दिया हुआ है, शेयर्स। क्यों शेयर्स फाइंड किया, बिकॉज इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए था, तो मैंने शेयर्स फाइंड किया।
अब एक काम करता हूँ, ये शेयर्स को है ना ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ एक्स वाई, तो करते चलो 23250 डिवाइड बाय 284930 इनटू 167465 इट कम्स टू 13665। ये एक का शेयर्स है माइनस 23250 9585। ये जो भी बाइफर्केशन हो रहा है ना ये किसका बाइफर्केशन कर रहा हूं मैं, शेयर्स का। अब x का इतना शेयर से y का इतना शेयर से मुझे अमाउंट चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 12, तो चलो करते हैं 13665 इंटू 12 163980 9585 इंटू 12 115020। हेलो बैच पक्का, चलो ठीक है, तो ये यह अमाउंट यहाँ पे पहुँचा देते हैं। ये इसलिए किया बिकॉज शेयर्स का फेस वैल्यू 10 था, और अगर तुम लोग को याद रहेगा हम लोगों ने प्रीवियस कैलकुलेशन किया था, तो एक और टेक्निक है, इजी है बट वहाँ पे थोड़ा तुम लोग को संभलना पड़ेगा। कैसे? यही अमाउंट को 279 डिवाइड बाय 284930 इन दोनों का टोटल इंटू 167465 करो, कैलसी पे आंसर आएगा 1,63,979.6। प्रॉब्लम ऐसा है ना कि लास्ट में जीरो आना चाहिए, तो 79 नियर बाय 80 है 163980। ये मिल गया, टोटल में से माइनस करो बाजू वाला मिल जाएगा। देखो बहुत सारे तरीके बाइफर्केशन करने के, तुमको जो इजी लगता है तुम लोग वो मेथड से करो। अब लास्ट बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर किधर जाएगा, कैश, तो चलो माइनस करते 7465 3485 117465 - 115020 2445। यहाँ पे डेबिट, तो कैश में क्रेडिट बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई 3485 2445 5930। देख के ऐसा लग रहा है सर आपका अकाउंट टैली नहीं हो रहा, आपने कुछ गड़बड़ किया। नहीं रे, एक लाइन है फिफ्थ एडजस्टमेंट के बाद वाला, द कंपनी कलेक्टेड ऑल द डेटर्स, द कंपनी पेड क्रेडिटर्स एंड एनी बैलेंस ड्यू विल बी पेड इन कैश। जरा ये अकाउंट का हिसाब किताब करते हैं, 62700 प्लस 2,79,000 341700 माइनस 279000 माइनस 59, अकाउंट टैली नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1930 का। ये बैलेंस कैसे सेटल होगा, कैश में, तो यहाँ पे क्रेडिट कैश में डेबिट टू एक्स लिमिटेड 1930। चेक कर, टैली हो गया अपना। बहुत खतरनाक समझा ये, होप्सो ये समझ में आ रहेगा तुम लोग को। ठीक है, चलो कंप्लीट करो। होप सो ये खतरनाक सम तुम लोग को अच्छे से समझा रहेगा।
अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट सम पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 20। एक्स एंड वाई वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। बैलेंस शीट दिया है, प्लांट लूज टूल्स मोटर कार बिल्स रिसीवेबल स्टॉक डेटर्स कैश करंट अकाउंट दिया हुआ है। करंट अकाउंट तो तुम लोग को पता है कि भाई कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, एक्स लोन ये भी कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा अगर कुछ बोला नहीं है तो। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड पे पार्टनर्स का हक होता है, कैपिटल अकाउंट दिया है एंड करंट अकाउंट दिया। द पार्टनरशिप फर्म वॉज कन्वर्टेड इन टू अ लिमिटेड कंपनी ऑन द अबाउट डेट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। द कंपनी टू एग्री टू टेक ओवर द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड गुडविल एट वैल्यू स्टेटेड बिलो। प्लांट दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिया है, क्रेडिटर्स 10% डिस्काउंट, बिल्स पेएबल 20% डिस्काउंट। मतलब बोलने का मतलब है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में कुछ बोला नहीं है, मीन्स इट इज़ नॉट टेकन ओवर। गुडविल वॉज वैल्यूड एट थ्री ईयर्स परचेज अंडरलाइन करो उसे, एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स 14, 10, 6। मेरे हिसाब से इसका टोटल आता है 30 डिवाइड बाय 3, 10 into 3, 30। एक घुमा फिरा के गुडविल 30,000 रुपये आ रहा है, लिख दो उधर गुडविल 30,000। मोटर कार वॉज सोल्ड फॉर 10,000, तो मोटर कार पे क्रॉस मार्क कर दो। बिल्स रिसीवेबल वॉज टेकन ओवर बाय एक्स, तो बिल रिसीवेबल पे भी क्रॉस कर दो। वाई टू टेक ओवर लूज टूल्स, लूज टूल्स पे भी क्रॉस कर दो। एक्स लोन एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी वेर पेड इन फुल, तो एक्स लोन कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, पे कर दिया है, ठीक है, तो पेमेंट हो जाएगा पूरा। सैलरी भी पूरा पे कर दिया है, तो एक्स लोन का अकाउंट ओपन करो, पे कर दो। सैलरी तो अपना रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000, ये भी सेम सैलरी की तरह पेमेंट हो जाएगा, दूसरा इफेक्ट कैश बैंक में चला जाएगा। द परचेज कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज बाय इशूइंग 4,000 shares ऑफ ₹10 each एंड बैलेंस इन कैश। 4,000 into 10 दैट इज 40,000, बैलेंस इन कैश यानी पीसी ढूंढना पड़ेगा। शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम लिमिटेड कंपनी आर टू बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने अच्छे लोग हैं, जो इक्विटी मिला है ना वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देने का, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लिमिटेड कंपनी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ना सबसे पहले टारगेट अपना पीसी निकालना है, तो चलो ना मैं क्या कम करता हूँ, एक बार जरा कैलसी पे कैलकुलेट करते हैं। पहले एडजस्टमेंट में दिया है 52,000, 13,000, 14,000 प्लस 30,000 का गुडविल, भूला मत। क्रेडिटर 10% डिस्काउंट है, बिल्स पेबल 20% डिस्काउंट है, तो 1,09,000 का ग्रॉस असेट आ गया। 20,000 का क्रेडिटर पे 10% का डिस्काउंट, बोले तो 18,000, और 6,000 पे 20% का डिस्काउंट, टोटल आता है 22,800 माइनस 1,09,000, तो योर पीसी शुड बी 86,200। यह कैलकुलेशन ऑफ पीसी, नहीं समझा तो वापस एक बार देख लो। गुडविल और एडजस्टमेंट वन के सब असेट्स के टोटल कर लिया, 1,09,000 का ग्रॉस असेट। क्रेडिटर्स 20 माइनस 10% 18,000, बिल्स पेएबल 6,000 माइनस 20%, तो वो कुछ आ रहा था 4,800, ठीक है, तो 4,800 प्लस 18,000 22,800, ये तुम्हारा लायबिलिटी है माइनस योर टोटल असेट 1,09,000, पीसी इज 86,200, जिसमें से इक्विटी दिया है 40 का और बैलेंस बचा, तो बैलेंस कितना बच रहा है 46,200, इट विल बी एडजस्ट इन कैश। जो जो असेट्स टेक ओवर नहीं उधर डॉट कर दो, लूज टूल्स पे डॉट है, मतलब तुम लोगों ने क्रॉस मार्क किया, क्रॉस मार्क किया तो फिर तुम लोग को ऑटोमेटिकली मार्किंग हो गया है। सम बहुत इजी है, सो होप्सो ये तुम लोग होमवर्क के लिए करोगे, सो दैट तुम लोग का भी प्रैक्टिस हो जाए और मुझे भी पता चले कि तुम लोगों को कितना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, अपना सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नए सम में नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।